तापी नदी के किनारे बसा सूरत शहर देश के औद्योगिक मानचित्र पर सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। ये शहर हीरे के व्यापार एवं कपड़ा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गतिशक्ति योजना के अंतर्गत देश के हर राज्य में सड़क, रेल तथा हवाई संपर्कता का एक प्रबल नेटवर्क तैयार हो रहा है। विकास की इस कड़ी में सूरत बुलेट ट्रेन एवं मेट्रो रेल परियोजना के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों की संख्या 74 से दोगुनी होकर 149 हो गई है। साथ ही भारतीय हवाई अड्डों की वार्षिक यात्री वहन क्षमता भी 19 करोड़ से अधिक होकर 46 करोड़ तक हो गई है। सूरत आने वाले हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या एवं मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 353 करोड़ रुपए की लागत से सूरत हवाई अड्डे का विस्तार एवं आधुनिकीकरण किया गया है। वर्तमान टर्मिनल में 17,046 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के विस्तारीकरण के बाद टर्मिनल भवन का कुल क्षेत्रफल पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़कर 25,520 वर्ग मीटर हो गया है। नया टर्मिनल भवन व्यस्ततम समय में प्रति घंटा 1800 यात्रियों एवं वर्ष में 35 लाख यात्रियों को सेवा देने में सक्षम है। भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए टर्मिनल भवन में यात्री सेवा क्षमता को बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे प्रति घंटा 3,000 एवं वर्ष में 55 लाख यात्रियों को सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। टर्मिनल भवन का डिजाइन गुजरात और सूरत की समृद्ध संस्कृति और विरासत को दर्शाता है। टर्मिनल का अग्रभाग सूरत के रांदेर क्षेत्र में बने पुराने घरों की काष्ठ कला से प्रेरित है। वर्तमान में सूरत हवाई अड्डा देश के 14 शहरों और यूएई के शारजाह शहर से जुड़ा हुआ है। सूरत शहर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2023 को सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ये हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों एवं सूरत के व्यापारी समुदाय को बेहतर संपर्क सुविधाएं प्रदान करेगा और इससे व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आज सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है।